दैट्स व्हाई मुझे भी डंडा दे। अच्छा जी, ये ले आपके लिए भी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बंदा जिसने पूरे मोहल्ले की नाक में दम करके रखा हुआ है, हमें तंग करके रखा हुआ है इसने। ये कौन है लोग? कुछ नहीं, आप अंदर जाओ। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों तंग किया मैं इन लोगों को? इंस्पेक्टर साहब, ये तो आप इनसे ही पूछें कि मैंने इनको क्या तंग किया हुआ है। हाँ जी बताइए, मैंने आपको क्या कहा है भाई? बताता हूँ मैं तुम्हें इंस्पेक्टर साहब, एक तो ये पूरे मोहल्ले में बिद्दत फैला रही है, देखिए लाइटें लगाई हुई, झंडियां लगाई हुई हैं, और दूसरा ये हमारे खिलाफ शेर पड़ता है, इसको जरा पूछें। ये लाइटें और झंडियां तो ठीक है, और मौलवी कौन सा शेर पड़ते हैं उनके खिलाफ? तुम क्या इंतजार फैलाया हुआ तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई इंतजार नहीं फैला रहा, और जो शेर की बात भाई कर रहे हैं वो तो बच्चा बच्चा पढ़ता है कि आप सबके पास जाएंगे। वो शेर इतना प्यारा शेर है, वो तो हम हुजूर की मोहब्बत में पढ़ते हैं और शैतान के खिलाफ पढ़ते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये शेर हमारे खिलाफ पढ़ता है, ये हमें चढ़ाने के लिए। हाँ भाई, इस शेर में ऐसा क्या है जो तुम चढ़ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, आपने नहीं देखा ये हमें इबलीस कहने की कोशिश कर रहा है? अजन, मैं आपको इबलीस किधर कह रहा हूँ, मैं तो ये शैतान के खिलाफ शेर पढ़ता हूँ, आप अपने ऊपर ये क्यों ले रहे हैं? क्या आपको हुजूर की आमद की खुशी नहीं है? और बस करो, आमद की खुशी नहीं है, हुजूर का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ था, तो हमें खुशी मनानी चाहिए या गम? इंस्पेक्टर साहब, एक तो इस बंदे की भी समझ नहीं लगती, हमारे खानदान में जब कोई फौत हो जाता है, हम 10वां करवाएं या 40वां करवाएं, ये तब भी हमें तंग करता है कि इस्लाम में तो शोक 3 दिन का होता है, आप लोग ये 10वां 40वां क्यों करवा रहे हो? हालांकि हम ये 10वां 40वां शोक के लिए नहीं करते, हम तो मैयत के साले सवाब के लिए करते हैं, लेकिन बकौल इन जनाब के कि आप लोग गम मना रहे हैं। अब इसी में सवाल करता हूँ कि जब हुजूर की बारी आई है तब इसे गम क्यों याद आ गया? हुजूर को तो दुनिया से पर्दा किए सदियां गुजर गई है, अब कौन सा गम मना रहे हो? अब तुम्हारा वो फतवा किधर गया? अच्छा, तो ये बताओ, ये जो झंडियां लगाई हुई है, लाइटें लगाई हुई हैं, ये इतना पैसा इस पे जाया किया, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते थे? अच्छा, तो इससे भी मसला है आपको? ये बताएं, आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास आईफोन 14 है। क्यों? देखिए इंस्पेक्टर साहब, 3.5 लाख वाला मोबाइल है इनके पास, 50,000 वाला भी तो आप मोबाइल ले सकते थे, बाकी पैसे किसी गरीब को दे देते, तब गरीब नहीं याद आई आपको? और दूसरा इंस्पेक्टर साहब, इसने अपने बेटे की शादी की है, 50 लाख रुपए इसने खर्चा किया है, कम पैसों में भी तो ये शादी कर सकता था, तब गरीब नहीं याद आई इसे? हालांकि हदीस पाक में ये है कि बेहतरीन निकाह वो है जो कम खर्च पर हो, सिर्फ मिलाद पर ही इसे ये वसवसे आते हैं। और ये जो कह रहे ना, ये फजूल खर्चियां किसी गरीब की मदद कर देते, जब ये सैलाब आता है ना तो लाखों रुपया हमने जमा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गरीबों का एहसास है, हम हुजूर का मिलाद भी मनाते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। भाई मेरे, मुझे इसकी कोई बात नहीं गलत लगी, तुम लोग मोहल्लेदार हो, मिलजुल के रहा करो सारे। मेरे भाई, ये नफरतें खत्म करो, आए मिलके गरीबों की भी मदद करते हैं और सरकार का मिलाद भी मनाते हैं। भाईजान, आपकी बातें मेरे दिल पे असर कर गई हैं, हमें बिल्कुल हुजूर की आमद की खुशी मनानी चाहिए, आए मिलके मनाते हैं। ये हुई ना बात, आए मिलके मिलाद मनाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। मुझे बताइए, क्या नबी पाक से बढ़कर भी हमारे पास कोई नेमत है? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करके हजूर की आमद की खुशी खुले दिल से मनानी चाहिए। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे ज़रूर बिल ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। शुक्रिया।